और कंपनी पर फोकस करते हैं और इस बार फार्मा स्पेस की बात करते हैं। ल्यूपिन के गोवा प्लांट के लिए यूएस एफडीए से ईआईआर मिल गई है। इसके बाद अब इस प्लांट से दवाओं के लिए मंजूरी का रास्ता साफ हो गया है। इसी पर हमने ल्यूपिन के ईडी और ग्लोबल सीएफओ रमेश स्वामीनाथन से बात की। उनका कहना है कि ईआईआर मिलने से नई दवाओं को मंजूरी में मदद मिलेगी। आपको ये पता होगा कि हमारा प्लांट गोवा का प्लांट और तीन प्लांट है वो उसकी तो वार्निंग लेटर इशू था। ये है मंडीदीप, पीतमपुर, सेकेंड यूनिट एंड तारापुर का भी। तो गोवा का इंस्पेक्शन हुआ है, यू नो ये तो 2017 से यू नो स्टैंडस्टिल में था, तो अभी तो ये इंस्पेक्शन हुआ है, इसीलिए ये तो इनको निकाल दिया है। तो अभी गुड न्यूज यही है कि हमारा जो प्रोडक्ट टकअप हुआ था वो तो अभी यू नो इसका अप्रूवल तो हो सकती है, तो दी टॉप लाइन बच सकती है इसीलिए से। राइट सर, अगर हम देखें कि फार्मा कंपनियों के यू नो यूएस बिजनेस इतने अच्छे नहीं कर रहे थे दो क्वार्टर से, बट वन वो एक आदमी बोल सकता है कि यू नो कोविड रिलेटेड ड्रग्स ने पहले आप लोग को बढ़ोतरी दी सेल्स में और फिर शायद ये स्ट्रीमलाइन हो रहा है। 2022 के लिए यूएस में क्या क्या ट्रिगर्स रहेंगे, क्योंकि वो आपके लिए एक बड़ा मार्केट है, और इंडिया मार्केट में नॉन कोविड जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको क्या लगता है, मतलब विल थिंग्स नॉर्मलाइज ओवर देयर एज वेल? क्या आपको लगता है कि आगे जाके यू नो हाँ, मेरे ख्याल से यू नो इट रियली डिपेंड्स ऑन द पोर्टफोलियो दैट यू हैव फॉर द मार्केट्स, एंड एज आई वाज टेलिंग यू अमेरिका इज ऑल अबाउट यू नो लुकिंग एट मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। तो हमारा यू नो पाइपलाइन काफी अच्छा है इसी मार्केट्स के लिए। हमारा काफी यू नो इनहेलेशन प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स हैं, हमारा बायोसिमिलर्स भी है, यू नो द फोकस इज रियली ऑन दोस, एंड इसमें तो इतना कॉम्पिटिशन नहीं आता है, इसीलिए तो वॉलिटिलिटी प्राइसेस नहीं होती है। India is you know has always done very well for us. You know, last year was a little you know lackluster because of you know we didn't have the kind of portfolio that is required for the COVID season itself, but this year you know the markets are doing really fairly well, and you know and our India business is doing extremely well in that sense. In other markets वहाँ भी दिक्कत थी, but things are turning out to be much better this year. Right. सर, एक लास्ट वर्ड कहना चाहूँगा हमारे हिंदी दर्शकों के लिए कि 10 साल पहले अगर आप देखते तो फार्मा कंपनी जेनरिक ड्रग्स बनाती थी। अब आपने कहा कि यू नो लूपिन जैसी कंपनी, बहुत सारी दूसरी कंपनी या तो बायोसिमिलर में जा रही है या कॉम्प्लेक्स में जा रही है, तो जैसे कहा जाता है मूविंग अप द वैल्यू चेन, आपको लगता है 2021-22 और यहाँ से अगले 3 साल तक मूव अप द वैल्यू चेन की थीम रहेगा इंडियन फार्मा कंपनीज में? So the focus will be obviously be to keep going up the value chain in terms of complexity of products and the like, both for India as well as in fact the you know the markets going forward, the other markets including America and other markets as well. It is really going to be dependent on how much we actually how successful we in terms of our R&D endeavors. A lot of companies also trying to move beyond the pill. But that's a different story. We'll take it up on another occasion. Right, sir. Thank you, sir. Dhanyawad hamare liye bolne ke liye.